नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। जिला परिषद के जोन नंबर 6 के गांव चक्का में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सूर्य प्रकाश जो कि जोन नंबर 6 से कैंडिडेट चौधरी गगनदीप सिंह जी हैं, उनके बेटे हैं और वो यहाँ पे अपने पिता के समर्थन में पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पे चक्का गांव में डोर टू डोर अभियान जो है वो लगातार चला रहे हैं। यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में गांव के लोग जो हैं वो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, एक सबसे बड़ा सवाल है, संशय बरकरार है, उस संशय को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। सूर्य प्रकाश चौटाला जी से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, उस संशय पे भी बातचीत करेंगे और इलेक्शन को लेकर के भी बातचीत करेंगे। सूर्य प्रकाश जी, चक्का गांव में हैं आप, सबसे ज़्यादा अगर बड़े गांव की श्रेणी में रखा जाए तो इसमें खारिया के बाद शायद यही नंबर आता है। कैसा रिस्पांस, कैसा लोगों का रुझान जी? पहले तो नमस्कार, आप हमारा ये इंटरव्यू लेने आए, हमको सिलेक्ट समझा उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं अकेला आया था और एक दो मेरे साथी हैं दोस्त, हम तीन आए थे यहाँ पे और कोई भी नहीं था। हमने लगभग एक घंटा हुआ है हमें, हम डोर टू डोर घूम रहे हैं। इतने सारे जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, वो अभी अभी हमें साथ जुड़े हैं सारे। सभी ने कहा कि आप कैसे घूम, हम आपके साथ घूमेंगे। तो ये लगभग 50-60 की संख्या में और बढ़ती जाएगी रात तक। और जी, मैं मानता हूँ कि ये जो चुनाव है ये एक तरफा है। चौधरी रणजीत सिंह जी के जो पुत्र हैं, मतलब मेरे पिताजी चौधरी गगनदीप सिंह जी, वो शायद मतलब कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद ना हो कैंडिडेट खड़े हो पाएँ, पर जो रिकवरी कैंडिडेट जो दूसरे होते हैं कैंडिडेट की, अगर पहला नहीं लड़ पाता तो दूसरे हमारे राजकुमार जी नैन हैं और उनको मैं सभी को ग्रामवासियों को निवेदन करूंगा कि उनको भारी मतों से जिताएं और विजयी बनाएं वार्ड नंबर 6 रानिया से, ताकि जो भी जन समस्याएं हैं, जो भी लोगों के काम हैं, वो सभी हो पाएं और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हम उनसे रूबरू होकर डोर टू डोर जाकर सुन रहे हैं और उनका हल भी निकालेंगे। ठीक है, अभी तक टेक्निकल समस्या की आपने बात कही कि टेक्निकल समस्या के कारण शायद वो ना लड़ें, लेकिन आज आप वोट मांगने के लिए आए हैं, वो चौधरी गगनदीप जी के लिए आए हैं या फिर राजकुमार नैन जी के? हम जी वोट मांगने नहीं आए। पहली बात तो हम लोगों को कहने आए कि आप हमारा परिवार हो, हमारे साथ खड़े हो। वोट तो जी वो मांगते हैं जो कि एकदम से गांव में आते हैं, पहले दिखते ही नहीं है, वो कहते हैं हमको भाई वोट दो। हम तो जी इनका परिवार है, इनके बीच में रहते हैं लोग, हम सभी के बीच में रहते हैं। देखिए जी, हम ऐसे नहीं है कि किसी और के घर में जाके वोट मांगे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा। देखिए जी, बाकी भी कैंडिडेट अपने अपने लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे दादाजी आदरणीय हैं हमारे, और करण जी भी मेरे बड़े भैया हैं, पर सभी का आदर मान सम्मान करते हैं। जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं हम उनका सभी का सम्मान करते हैं। और देखिए जी, मैं मानता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा आप उसको वोट दो उसको वोट, मैं ये कहूँगा कि राजकुमार जी नैन एक बहुत ही सुलझे समझदार आदमी है और नेक आदमी है, सभी के लोगों के बीच में रहते हैं। आप अगर उनको वोट देंगे तो वो हमेशा आपके बीच में रहेंगे, हमेशा आपके बीच में रहते थे हैं और रहेंगे। और जो भी काम है, देखिए जी जिला परिषद बनने के बाद काम तो होती हैं, ये तो सभी को पता है। अब जो नहीं बन पाएगा उसके तो काम होंगे नहीं होंगे, पर देखिए जी जिला परिषद के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, जो भी जन समस्या है वो उनके बीच जाकर सुनेंगे और उन पर अमल भी करेंगे, काम करेंगे सभी का। किस मुद्दे को लेकर के आप वोटों की अपील कर रहे हैं, जो चौधरी साहब ने जो काम किए हैं उस मुद्दे को लेकर के या फिर आने वाले समय में होने वाले कामों के? देखिए जी, काफ़ी मुद्दे हैं, नशा एक बड़ा मुद्दा है, नशा चिट्टा काफ़ी आजकल फैल रहा है। हम मानते हैं कि पहले तो कोरोना का समय था, तब लॉकडाउन था, उसके बाद भी जब लॉकडाउन खुला तब भी काफ़ी समस्या थी इसको टैकल करने के लिए, पर हमने फिर भी काफ़ी अपनी पूरी कोशिश की। और अब जब कोरोना जा चुका है, अब कोई बीमारी नहीं है, लॉकडाउन भी नहीं है, सब अपना सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब हम जैसे ही चुनाव होता है हम अपना 100% देंगे कि जो भी नशा चिट्टा है, जो भी समस्या है उसका हल करें और हमारे नौजवान पीढ़ी को बचाएं इस खराब बीमारी से। देखिए, लोग कहते हैं कि हमें वोट दो, वोट उसको दो जी जिसने काम किया है। मेरे दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी ने, उन्होंने नहर निकलवाई है रानिया में जिसका सभी को परिचय है, उन्होंने सरकार में ना रहते हुए भी पहले नहर का प्रोजेक्ट पास करवाया, मंत्री बनने के बाद उसको नहर को बनवा दिया, सब जगह जहाँ ख़राब थी नहर उसकी सफाई करवाई। और मैं चक्का गांव में मानता हूँ यहाँ पे नहर की थोड़ी समस्या है, बुन्ना गांव में हमने नहर निकलवाई हुई है, कुछ पाइपलाइन वगैरह कुछ टेक्नोलॉजी की हम हेल्प लेके और इस गांव में भी नहर को निकलवाने काम करें, ताकि जितने भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, जो भी नौजवान साथी हैं, उनको पानी मिले खेतों में। चल
शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी बातचीत के लिए। तो तमाम मुद्दों पे जो है वो डिस्कशन हुआ और लगभग जो है वो ये फाइनल हो चुका है, आधिकारिक घोषणा होने बाकी है, क्योंकि जो टेक्निकल इश्यू है उस टेक्निकल इश्यू के कारण शायद गगनदीप जी जो है वो चुनाव चौधरी गगनदीप चौटाला हैं वो शायद ये चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे और आने वाले समय में राजकुमार नैन जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में होने की पूरी संभावनाएं जो है वो लगातार दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में सूर्य प्रकाश चौटाला का भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर गगनदीप चौटाला जी चुनावी मैदान में नहीं रहते हैं किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से तो आने वाले समय में राजकुमार नैन जी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं ताकि आने वाले समय में आपको का जिला परिषद का प्रत्याशी जो है कैंडिडेट जो है वो ढूंढना ना पड़े जो कि आपके गांव के बीच में आपके लोगों के बीच में रहने वाला हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाए ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो और विकास कार्यों की लगातार भरमार आपके इलाके में होती रहे। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।